लुसियाना से बुलंदशहर मार्ग पर नया बसा गांव के पास एलुमा स्कूल की बच्चों से भरी बस की टक्कर एक ट्रक से हो गई और चालक ने बताया कि ट्रक की हालत पहले से ही खराब थी और मुझे महसूस होने लगा था, इसलिए मैंने गाड़ी को सड़क से उतारा और फिर भी बचाते बचाते गाड़ी आपस में टकरा गई और गाड़ी में बैठे एक बच्चे को चोट आई है। बच्चे को तुरंत विजयश्री हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया और घटना की जानकारी मिलते ही सीओ धन प्रकाश त्यागी, एसडीएम सुभाष सिंह व सयाना कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने हॉस्पिटल में जाकर घटना की पूरी जानकारी ली। विजयश्री हॉस्पिटल के डॉक्टर राघव ने बताया कि बच्चे के सर में हल्की सी चोट है, फिर भी संतुष्टि के लिए सिटी स्कैन के लिए बुलंदशहर रेफर कर दिया गया है। ये है वो एलुंगा स्कूल की गाड़ी जिसे अभी अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है। ये एक साइड से पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, जिसमें 50 से 70 80 बच्चों की डिस्टेंस थी। ड्राइवर की बहुत अच्छी भूमिका रही है इसमें, जिसने गाड़ी को सामने से देखने के बावजूद भी एक तरफ ले लिया और इस तरीके से गाड़ी पूरी ख़राब हो चुकी है, ये टूटी है। और बताया गया है ड्राइवर के कहने के बाद पता चला है कि एक बच्चा है जिसको थोड़ी सी चोट आई है, बाकी सारे बच्चे स्वस्थ हैं और अभी भी रेंज में चला हुआ है ये गाड़ी है। देखिए अभी इसमें गाड़ी में नई गाड़ी एक साल पहले लगता है आई हुई है, ना ही कोई नंबर। हमारे साथ जुड़ते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर, वो बता दें किस सहानुभूति के साथ इन्होंने सारे बच्चों को बचा पाया जिसमें 60 से 70 बच्चे थे। जी क्या मामला जी, क्या क्या मामला था, आपको कैसे महसूस हुआ आपको? वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी सामने वाली, उसे देख के कच्चे में बचा लिए। अच्छा, कितने बच्चों को चोट आई है? एक बच्चे को चोट आई है। कितनी कैसे चोट है? सिर में चोट है काफ़ी, उसको मतलब सिर में चोट है, दो तीन टांके। अच्छा, आपको कैसे महसूस हो गया कि सामने से गाड़ी की कोई स्पीड में थी, बहुत लहरा रही थी गाड़ी रोड पे, वो पूरी तरह से जो है लोग भागते हैं, पितरदर्शी होंगे यहाँ दो चार टोन में से जो मतलब जिनके सामने था ये, वो तो गाड़ी कच्चे में ना बचाऊँ तो गाड़ी सीधी बराबर होती सामने से। देखिए यहाँ पर ये बच्चों की बाल बाल जान बची है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बुलंदशहर। आपको बता दें कि बेनीगंज कोतवाली का क्षेत्र अधिकारी हरियावा ने शुक्रवार को बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोतवाली परिसर की स्वच्छता, कार्यालय के अभिलेखों, मालखाने का रख रखाव, सरकारी शस्त्रों की साफ सफाई, पुरुष महिला बंदी गृहों की साफ सफाई आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान कोतवाली की सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त मिली। क्षेत्र अधिकारी के थाने में प्रवेश करने पर पुलिस कर्मियों ने सलामी दी। कार्यालय में रखे व्यवस्थित अभिलेखों को देखकर क्षेत्र अधिकारी ने यहां के दीवान को शाबाशी दी। लगभग दो घंटे तक निरीक्षण के दौरान सभी पुलिसकर्मी वर्दी सहित दुरुस्त रहे। इस मौके पर क्षेत्र अधिकारी हरियावा शैलेंद्र सिंह ने कोतवाली परिसर में वृक्षारोपण भी किया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट, हरदोई। घर से दुकान जाते समय सर्राफा व्यापारी से लूट, बाइक सवार तीन लुटेरों ने दिन दहाड़े घटना को दिया अंजाम और व्यापारी को गोली मार कर घायल कर दिया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच में जुट गई। आपको बताते चले ये ताजा मामला, यूपी के सीतापुर थाना मिश्रिक के जरीगवां के पास घर से दुकान जाते समय रास्ते में तीन बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मार कर लूट की घटना को अंजाम दे डाला। वहीं सर्राफा व्यापारी की माने तो करीब 12 लाख रुपए की लूट हुई है। वहीं बदमाशों द्वारा घायल सर्राफा व्यापारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं। पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को पहचानने का मामला सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो जो है हम गाड़ी स्पीड में किए, टिफिन भी फेंका के, बस छोटा भाई साथ में था हमारे, टिफिन भी फेंका के मारे उसने, टिफिन उसके लगे नहीं, बाद में हमारी गाड़ी आगे जाके गिर गए हम डर के मारे। उसके बाद जो है उसने गोलियां चलाई। आप उनमें से पहचानते हैं किसी को? नहीं नहीं, एक को पहचानते हैं, वो भी किस हिसाब से, बॉडी के हिसाब से जिनसे हमारी कल लड़ाई हुई थी, कन्फर्म नहीं है कि वही है। कितने की लूट हुई है कुछ अंदाजा आप? 10-12 लाख के करीब हुई है। 10-12 लाख का माल? हाँ। कहाँ पे दुकान है आपकी? जरीगवां में। ठीक, आपने तहरीर दे दी? हाँ। ठीक, सोनार के व्यापार करने वाले उनके दुकान की तरफ जा रहे थे, तो उसमें ये पता चला 3 अज्ञात लोग थे और इनके कहना है मोटर से एक अपाची सफेद कलर गाड़ी में खड़ी थी और इनके साथ फायरिंग किया था। 2 फायरिंग करने के बाद इनके साथ सामान मिला हुआ था, उस सामान को लेकर लोग वहाँ से फरार हो गए थे।
फिर तब इनको तत्काल पुलिस स्टेशन लिया है, लेकर आ गया है, उनके उपचार के लिए उनके फर्स्ट एड दिया गया है। फिर अभी उनसे पूछताछ जारी है, उनको पूछताछ के माध्यम से उन लोगों ने किसी एक आदमी किसने फायर किया उसको पहचान रहे हैं, तो उसी के आधार पर भी तैयारी करके पुलिस टीम गठित करके कार्रवाई करने में लगी। लूट सर कितने की है अभी तक? उन लोगों ने उनके बैग में कुछ सोना था उसके बारे में बता रहे थे, तो अभी इसका मसरूक का आकलन किया जाएगा। तो प्रथम दृष्टि से 5-6 लाख के उनके पास माल पता चल रहा है, तो फिर भी वो क्लियर क्लैरिफाई कर लेंगे अभी मसरूक के बाद और उससे उस आकलन करने के बाद। और इसमें 3 टीम गठित किया गया है और इस पर किसको पहचान रहे उनके घर पर भी दबिश डाला जा रहा है और जल्दी जल्दी इसको खुलासा किया जा रहा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। भूमिजा फाउंडेशन ने देश की रक्षा में शहीद हुए सैनिकों की शहादत पर नमन कर 20वीं कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद स्मारक नुमाइश पंडाल इटावा में भारत माता की जय घोष के साथ पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। संस्थापक रविंद्र चौहान व समाज सेवी रंजीत यादव ने संयुक्त रूप से 20वीं कारगिल विजय दिवस की याद में HN स्कूल में पौधारोपित भी किया। कार्यक्रम में रविंद्र चौहान ने कहा, देश को सुरक्षित रखने में इन नायकों ने अपने जीवन को कर्तव्य पंक्ति में सबसे आगे रखा है। माँ भारती के सपूतों के अनंत बलिदान से आज हम सम्मान से जीवित हैं। शिक्षिका सोनिया पुरवार ने कहा, हिंद के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन, जिसके कारण हम सुरक्षित हैं। हमारे वीरों ने बड़ी कठिनाई से दुश्मन पर विजय प्राप्त की है। युद्ध 2 माह तक दुर्गम स्थिति में चलता रहा। मीडिया प्रभारी प्रशांत जैन व समाज सेवी आकाशदीप जैन ने बताया, हमारे 500 से अधिक सैनिक शहीद हुए व 1300 से अधिक घायल हुए। हम सभी भारत माता के सपूतों को सत नमन करते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले सदस्य कल्पना, कोष अध्यक्ष रन्नो शर्मा, शिवेंद्र वीरेंद्र यादव, अनिल कुमार, नीरज यादव, शिक्षक यासीन अंसारी, आशीष चौहान आदि उपस्थित रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मसरूर खान की रिपोर्ट, इटावा। जनपद इटावा में 25 जुलाई की देर रात को रेलवे स्टेशन इटावा पर 2 समुदाय के बीच दंगे होने की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संतोष कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा, क्षेत्र अधिकारी नगर, SDM सदर, सिटी मजिस्ट्रेट, CMO मई टीम, CFO इटावा, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, LIU टीम, रिजर्व फोर्स फायर सर्विस की गाड़ी, GRP थाना प्रभारी मई फोर्स, सभी नजदीकी थाना प्रभारी मात्र 10 मिनट के भीतर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिसमें स्टेशन को सघनता से चेक करने की मॉक ड्रिल कराई गई। तभी सभी का रिस्पांस टाइम चेक किया गया। एम्बुलेंस द्वारा घायल सिपाही को मात्र 4 मिनट में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन को सघनता से चेक किया गया तथा वहां पर उपस्थित यात्रियों को भी चेक किया गया तथा उनके संबंध में जानकारी दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में किए गए इस मॉक ड्रिल में सभी विभाग की टीम समय से पहुंची, मॉक ड्रिल सफल रहा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मसरूर खान की रिपोर्ट, इटावा। स्टूडेंट पुलिस कैडेट टीकमगढ़ जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनुराग सुजानिया के निर्देशन एवं अति पुलिस अधीक्षक श्रीमान ML चौरसिया के मार्गदर्शन में पुलिस लाइन टीकमगढ़ में 3 स्कूल के 80 स्टूडेंट्स को जनरल परेड दिखाई गई। परेड कमांड सूबेदार कुलदीप मिश्रा द्वारा की गई एवं परेड 2 IC सूबेदार आर्या पारासर रही। पुलिस अधीक्षक महोदय ने बच्चों को पुलिस में परेड के महत्व के बारे में बताया, साथ ही पुलिस में अनुशासन क्यों आवश्यक है इसके बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार व सामग्री और गैस गन दिखाई गई, साथ ही इनके बारे में जानकारी भी दी गई। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक उपस्थित रहे। पुलिस मुख्यालय की इस योजना का उद्देश्य स्कूल के बच्चों को पुलिस कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देना है। इसके तहत वे न केवल कैडेट्स के रूप में पुलिस का सहयोग करेंगे बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी बेबाक होकर बोल सकेंगे। मेरा नाम सुहैलवार है, मैं किसान में पढ़ती हूँ। हम यहाँ SP कौन से स्कूल में हो गए? तो हम साथ के हाई स्कूल से हैं, अनंतपुरा से। और हमें यहाँ SP सर से प्रिंसिपल सर द्वारा बुलाया गया है और हमने यहाँ पे परेड देखी। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, अनुशासन और भी बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला। हमें उसके साथ का धन्यवाद करने का शुक्र है। क्या नाम है सर? रवि किरण गोपाल। कौन से स्कूल से? अनंतपुर।
सर आज पुलिस ग्राउंड में है, किस उपलक्ष्य में है? ये आज एस महोदय की विशेष अनुकंपा से हमारे बच्चों को जो देखने और सीखने का मौका मिला है, ऐसा आज तक नहीं मिला है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि बच्चों को पुलिस के सामने या किन्हीं कारणों से रूबरू होना पड़ता है, तो बड़ा डर और भय पुलिस के प्रति होता है। लेकिन आज एसपी साहब ने इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बच्चों को समझाया, सिखाया, बच्चों पे बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन इसका आया है, अच्छा मैसेज पुलिस के प्रति भी गया है। और मैं साहब का व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ, इससे बच्चों में पुलिस के प्रति एक पॉजिटिव सोच बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। क्या नाम है सर? मैं जगदीश सिंह चौहान। सर कौन से स्कूल से? सीनियर बेसिक हाई स्कूल टीकू। सर आज पुलिस ग्राउंड आए हैं, सर किस उपलक्ष्य में? एसपी महोदय के निर्देश थे, पुलिस डिपार्टमेंट ने स्कूलों के छात्रों को एसपीसी योजना, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना से जोड़ा है, ताकि समाज में एक पुलिस की कार्य प्रणाली और अन्य जो छात्रों के माध्यम से समाज की ओर मैसेज जाए कि पुलिस की कार्य प्रणाली का, पुलिस के द्वारा जो हमें सुरक्षा प्रदान की जाती है, वो खास बातें एसपी महोदय ने बताई। सर जो आज बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, क्यों दिया? ये स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत हमने जो शहर के स्कूल के छात्राएं हैं उनको बुलाया था, उनको पहले परेड का निरीक्षण कराया, परेड में क्या क्या होता है, परेड की आवश्यकता क्या होती है हमारे लिए, बच्चों ने काफ़ी उत्साह से उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर पुलिस के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे जो भी हथियार हैं हमारे और जो विशेष सामग्री जैसे राइट कंट्रोल गियर वगैरह, इनके बारे में बताया। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था और अपने उत्साह को उन्होंने और जितने भी सवाल थे उनके थ्रू दर्शाया कि उनके अंदर क्या क्या जिज्ञासा है उन चीज़ों को लेके, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा है। इसी तरीके से हम आने वाले समय में और भी कई सारी गतिविधियाँ स्कूल से संबंधित करवाते रहे। सर कितने स्कूल से लगभग बच्चे? अभी आज 3 स्कूलों से करीब 80 बच्चे बुलाए गए थे, तो सभी बच्चे आए हैं यहाँ पे, उनके प्रिंसिपल साहिबान भी आए थे, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए शाहीन निशा सिद्दीकी की रिपोर्ट, टीकमगढ़। तहसील में लेखपाल और किसान के बीच हुई मारपीट के मामले में लेखपाल फिरासत हुसैन द्वारा दर्ज कराए अभियोग में अपेक्षित कार्रवाई न होने पर लेखपालों ने संघ के तहसील अध्यक्ष पवन कुमार के नेतृत्व में लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर तहसील में प्रदर्शन किया। लेखपालों ने कहा कि लेखपाल के खिलाफ मारपीट के आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं लेखपाल के खिलाफ दर्ज अभियोग को फर्जी बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की गई है। अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो कलमबंद हड़ताल की जाए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। सीमा क्षेत्र के सटे इलाके में तस्करी की वारदातें आम बात होती जा रही हैं। यूपी का जनपद श्रावस्ती नेपाल सीमा से सटे होने के नाते आए दिन तस्करी की वारदातें अखबारों की सुर्खियों में रहती हैं। जिसके क्रम में आज SSB और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लखनऊ ने 31 किलो चरस बरामद कर जिले में तस्करी का बड़े रैकेट का भांडा फोड़ दिया है। आपको बता दें, यूपी के जनपद श्रावस्ती में आज तस्करी के करोड़ों रुपए के नाजायज चरस के साथ चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। नेपाल सीमा में तैनात 62वीं वाहनी SSB भिनगा सीमा चौकी भरता के जवान और NCB लखनऊ की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सीमा स्तंभ 635/9 के नजदीक से 4 व्यक्तियों को 31 किलोग्राम चरस तथा 2 मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा है। पकड़े गए व्यक्तियों को NCB लखनऊ के सुपुर्द किया गया है। पकड़े गए चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 9,31,00,000 रुपए आकी गई है। ये जो चरस जो बरामद हुई है, ये 4 नेपाली व्यक्तियों से बरामद हुई है। इलाका जो है वो हमारे सीमा क्षेत्र का जो गांव भरता है उसके पास का इलाका है। पिलर संख्या 635/9 के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये जो चरस है वो जो बरामद हुई है वो NCB लखनऊ के साथ संयुक्त ऑपरेशन में बरामद हुई है। अब गिरफ्तारी के बाद चूँकि अग्रिम कार्रवाई NCB ने ही करनी है, वही संबंधित विभाग है उसको देखने के लिए, तो ये जो है सारा जो भी गिरफ्तार व्यक्ति हैं जो जब्ती है वो सारा सामान जो है NCB को अग्रिम कार्रवाई के लिए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए ददन सिंह की रिपोर्ट, श्रावस्ती।
मार्टिनगंज आजमगढ़ बदह थाना परिसर में साफ सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। लोगों ने बताया कि जब से नए थाना अध्यक्ष आए हैं तब से यह काम अच्छा हो रहा है। थाना अध्यक्ष श्रीधर पांडे ने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि साफ सफाई और हरे पेड़ की रक्षा, महिलाओं की सुरक्षा करना है। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर के आला अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देशन में काम हो रहा है, आगे मैं रहूंगा तो काम और अच्छा होगा, कोई पीड़ित वापस नहीं जाना होगा, यही मेरा उद्देश्य है। उस समय मौके पर कई प्रार्थीगण फरियाद लेकर मौजूद थे। जनता के आने जाने वाले लोग जो आने वाले हैं उनको यहाँ उनको बैठने की सुविधा हो, उनको पानी पिलाने की सुविधा हो, उनकी समस्या बैठा के समझ जा सके, ताकि जनता को लगे कि हमारा कोई है जो सुन रहा है और खाना पहले से जो है बदल रहा है। जी, यह मेरी इच्छा है, मेरी सोच है। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए रामायण सिंह की रिपोर्ट, आजमगढ़। एक तरफ भारत सरकार के द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है तो कहीं वृक्षारोपण अभियान की आला अधिकारी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ये खबर पीलीभीत जिले के कली नगर तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिव नगर से आ रही है, जहां पर अस्पताल की खाली पड़ी जमीन पर आला अधिकारी वृक्षारोपण की जगह धान की रोपाई कराते नजर आ रहे हैं। यहां का मंजर देख यह साफ होता है कि यहां पर मरीज ठीक होने की वजह बीमार होता जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ लगभग एक एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है जिस पर धान रोपाई की गई है। इससे यह साफ होता है कि अस्पताल के आला अधिकारियों के आदेश अनुसार ही वृक्षारोपण जगह धान पौधारोपण कार्य किया जा रहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भागीरथ की रिपोर्ट, पीलीभीत।